अभी कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं ये रिस्क उठाऊंगी। ढीले नहीं, तुम ढीले हो, जल्दी आ जा भाई। एक्साइटेड भी हूँ और मुझे डर भी लग रहा है। फोन कर दिया। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक ऐसे रेस्टोरेंट से ऑर्डर करूंगी जिसका रेटिंग बहुत ही कम हो और लाइक वर्स्ट रेस्टोरेंट ऐसा टाइप का ही हो। कभी कभी ना ऐसा होता है कि सब लोगों का टेस्ट बट सेम नहीं रहता है। किसी को कुछ खाना पसंद होगा तो क्या पता वो मुझे पसंद नहीं आए, और मुझे जो पसंद आए क्या पता वो आप में से किसी को पसंद ना आए, तो ऐसा टाइप का होता है। बट ये भी सोच रही हो कि इतना ज़्यादा लो रेटेड होगा तो ऑब्वियसली किसी को ही पसंद नहीं आया होगा। सो मैं ढूंढूंगी रेस्टोरेंट। वैसे तो टॉप रेटेड रेस्टोरेंट ढूंढना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है क्योंकि वो फिल्टर में आ ही जाता है, बट लोएस्ट रेटेड ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट हम ये करेंगे। और मुझे ना भूख लग रही है, और अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो पता नहीं मुझे कितना गुस्सा आएगा। बट मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये रिस्क उठाऊंगी, मैं इस फोन से ऑर्डर करूंगी और जोमेटो से ही ऑर्डर करूंगी। और मैं सोच रही थी कि मैं पिज्जा ऑर्डर करूँ, देखते हैं क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोग शायद सोच रहे हो कि ये घर पे रह के इतना सज सज के क्यों आई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक वीडियो शूट कर रही थी तो वो मेरा कंप्लीट हो गया है और मुझे लग रही है भूख, और मैं अभी ऑर्डर करूंगी। ऑर्डर देने के बाद आने में तो टाइम लगेगा ना, तो उस टाइम के अंदर मैं अपना फेस वॉश कर लूंगी, डोंट वरी कर लूंगी। सबसे पहले मैं ऑर्डर करती हूँ तो मुझे डर लग रहा है। ये ओपन कर लिया मैंने जोमेटो और मुझे खाना है पिज्ज़ा। तो जो यहाँ पे व्हाट्स ऑन योर माइंड आता है, तो मैं यहाँ पे पिज्ज़ा क्लिक कर रही हूँ। बट हम वो जो कभी कभी नया रेस्टोरेंट होता है ना उसमें रेटिंग नहीं आता है तो हम वो काउंट नहीं करेंगे। जो जहाँ पे रेटिंग होगा वही काउंट करेंगे। एक मिला है 3.2 रेटिंग। और एक मिला है 3.1। हाँ, और जाओ और जाओ। तो हमें फाइनली मिला है एक रेस्टोरेंट जिसका नाम है बेल पेपर। ये 5 किलोमीटर दूर है। देखती हूँ कुछ ऑफर वगैरह है कि नहीं। तो मुझे जो रेस्टोरेंट मिला है उस रेस्टोरेंट का नाम है बेल पेपर, और डिलीवरी इन 45 to 55 मिनट्स। क्या करो, ऑर्डर करो कि नहीं? मिक्स्ड इंडियाना पिज्जा मैंने ऑर्डर दिया है जिसका प्राइस है 185 रुपीज और डिस्काउंट करके 157। बट यहाँ जीएसटी और डिलीवरी पार्टनर फीस मिला के टोटल हो गया है 209 रुपीज। बट मैं सोच रही थी इतना टाइम लगेगा, क्या करो, ऑर्डर करो कि नहीं? अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मैंने वीडियो शुरू कर दिया तो कर दिया। चलो करते हैं। 209 हो गया है बिल और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कैश ऑन डिलीवरी। वो मैंने ऑर्डर कर दिया है और ऐसे आपको घुमा के नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा एड्रेस वगैरह आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गया ऑर्डर कंप्लीट और यहाँ पे दिखा रहा है 48 मिनट्स। सो देखते हैं कैसा आता है और कैसा टेस्ट होता है। एक्साइटेड भी हूँ और मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि मुझे लग रही है भूख और ऊपर से मैं ले रही हूँ ये रिस्क। सो तब तक मैं थोड़ा सा फेस वॉश करके आ जाती हूँ क्योंकि अभी मुझे फेस वॉश करना है, मुझे इतना टाइम मेकअप रखना पसंद नहीं है। तो जब तक खाना आता है तब तक वेट कर लेते हैं। सो अभी 9:07 हो रहा है और मैंने ऑर्डर किया था 8:25 होगा शायद, अच्छा ज्यादा से ज्यादा 8:30। और ऊपर से अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिले, डिले नहीं तुम ढीले हो, अभी तक नहीं निकला और ऊपर से 21 मिनट्स और दिखा रहा है। सोचा था ये इवनिंग स्नैक होगा बट अब ऐसा लग रहा है कि यही मेरा डिनर होगा। जल्दी आ जा भाई। फाइनली अभी पहुंचने ही वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
एक दो मिनट ही रहेगा शायद। पहुंच गया है, अभी आएगा फोन। एक घंटा हो गया आके रुका हुआ है, फोन भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिम नहीं है, फोन करेगा वहां पे। फोन कर दिया। क्या है, क्यों है? ऊपर से सॉस का पैकेट। ये मेरे साथ क्या हो गया मुझे नहीं पता। ये क्या है, क्यों है और क्यों खाओ? मैं इसको क्यों खाओ? मुझे रीजन चाहिए। भूख को मारो गोली, लेकिन मैं इसको कैसे खाऊ? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं इसको कैसे खाऊ, कहाँ से खाऊ? चिकन पीसेस जो है वो सारा साइड में आ चुका है। ओ, नीचे भी एक सॉस। ओ अच्छा अच्छा, ये चिली फ्लेक्स है पिज्जा के नीचे, और क्या मिलेगा मुझे? चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं, और टेस्ट भी कैसे करो। सोच रही हूँ कि रोटी सब्जी की तरह खाओ। यहाँ पे मैं सॉस ले रही हूँ, गिर मत जाना और डिजास्टर नहीं करना है। ये वाला स्लाइस थोड़ा ठीक दिख रहा है, तो ये वाला ही मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। सॉस में डिप करके टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ। पिज्जा जैसा लग नहीं रहा है। ऊपर का जो सब्जी, चिकन, कॉर्न वगैरह जो है, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है। इसीलिए मुझे अब समझ में आ रहा है, इसीलिए इन लोगों का रेटिंग 3.1 है। धीरे धीरे इनका रेटिंग शायद 3 से नीचे आ जाएगा एंड देन क्लोज्ड। सो यही था मेरा रिव्यू। सो या दैट वाज इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। भैया।